हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फिजिकल केमिस्ट्री के पैरेलल ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इन लेक्चर्स को कंटिन्यूसली लेने के लिए आप सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पंकज भारद्वाज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे जैसे जैसे मैं उनको अपलोड करता जाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज आइसोमेरिज्म। ये जीओसी फर्स्ट के अंदर मैं लेता हूं। आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमिना इन विच मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज सेम बट देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, आइदर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में या केमिकल प्रॉपर्टीज में या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं। एक डेफिनेशन तो ये है। दूसरी डेफिनेशन, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और देयर कॉन्फिगरेशन आर नोन एज आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन या तो उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा या उनकी कॉन्फिगरेशन डिफरेंट होगी। अब आप लोग कहेंगे कॉन्फिगरेशन का क्या मतलब है? कॉन्फिगरेशन का मतलब ये है कि 3D स्पेस में उस मॉलिक्यूल्स के एटम किस तरह से अरेंज है, उसको हम बोलते हैं कॉन्फिगरेशन। तो जिनका कॉन्फिगरेशन डिफरेंट हो या स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ऐसे कंपाउंड्स को आपस में एक दूसरे का आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमर्स एक रिलेटिव टर्म है बच्चों। आइसोमर का मतलब एक पेयर आपको मिलेगा कि ए का आइसोमर बी है और बी का आइसोमर सी है। तो ये एक एब्सोल्यूट फिनोमेना नहीं है, ये एक रिलेटिव फिनोमेना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोमेरिज्म टू पार्ट्स, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे और अगर उनका कॉन्फिगरेशन यानी कि 3D स्पेस में उनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी तो क्या होंगे? एक दूसरे के कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप की। ये बेसिकली 6 टाइप की होती है, जिसमें सबसे पहले चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म आते हैं। बस इसमें टोटोमेरिज्म ऐसी है जिसकी स्टडी हम थोड़ा लेट करेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए पूरी तरह से हमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें वो पता होंगे तो ही हमें टोटोमेरिज्म अच्छी तरह से समझ में आती है। तो एक तरह से हम शुरू में कितनी आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे? 5 डिफरेंट आइसोमर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म सबसे इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है, क्योंकि जब भी किसी कंपाउंड में हमें चैन आइसोमर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं तो हमारे सामने खूब क्वेश्चंस रहते हैं। मैं उन सबकी बात करने वाला हूं। चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड जिनका नो डाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन किस किस में? प्रिंसिपल कार्बन चेन, प्रिंसिपल रिंग, साइड चेन और साइड रिंग, इनमें से किसी में भी अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट आ रहे हैं तो वो एक दूसरे के चेन आइसोमर्स कहलाते हैं। साथ ही इसमें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, सब्स्टिट्यूएंट्स, फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स या मल्टीपल बॉन्ड सेम रहता है, सेम रहता है। तो ये जो नंबर है वो तो आता है डिफरेंट और जो पोजीशन होती है वो क्या होती है? सेम होती है। चैन आइसोमेरिज्म के बारे में एक दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे डिस्कस करता हूं। चैन आइसोमेरिज्म जब भी आती है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि किसी कंपाउंड में कई बार चैन और पोजीशन आइसोमेरिज्म दोनों होती है अकॉर्डिंग टू देम,
कुछ कई बार कंपाउंड के अंदर चैन आइसोमर्स को पता नहीं लगता क्योंकि मेन चैन में कार्बन उतने ही रहते हैं, साइड चैन को हम देखते नहीं है। साइड चैन में भी अगर कार्बन डिफरेंट है, साइड प्रिंसिपल चैन में भी, तो भी वो एक दूसरे के क्या होते हैं, चैन आइसोमर्स होते हैं। चैन आइसोमरिज्म में दो मॉलिक्यूल्स का जो स्केलेटोन होता है, जैसे हम कंकाल बोलते हैं, स्केलेटोन बोलते हैं, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसलिए इसको देखते ही पता लग जाता है कि दो कंपाउंड एक दूसरे के चैन आइसोमर्स हैं या चैन आइसोमर्स नहीं है। चैन आइसोमरिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए या बाकी आइसोमरिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन का एक सेटअप है। आपने जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपने उसी के बेस पर उसका आंसर देना है। जैसे सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी मानी गई है वो मानी गई है बच्चों फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म को। तो सबसे पहले हम FGI चेक करते हैं कि इन दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट नहीं है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के बाद में प्रायोरिटी आती है मेटामेरिज्म की। मेटामेरिज्म अगर नहीं होगा फिर हम इसको फिर डिवाइड करेंगे, क्या ये चैन आइसोमर है, क्या ये पोजिशन आइसोमर्स है और क्या ये रिंग चैन आइसोमर्स है। तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी क्या आती है, चैन आइसोमरिज्म की आती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है कि इसमें चैन भी आ रही है पोजीशन भी आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको एक ही टिक करना है, 100% चैन आइसोमर ही आंसर उसका होगा। तो प्रायोरिटी मैंने क्या बताई, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आइसोमर चेक करनी है, फिर मेटामेरिज्म चेक करनी है, फिर चैन आइसोमरिज्म चेक करनी है, फिर पोजीशन चेक करनी है। ये कुछ भी नहीं होगा तो फाइनली वो रिंग चैन आइसोमर एक दूसरे के हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। चैन आइसोमर्स में ये इंपॉर्टेंट चार पॉइंट मैंने बताए हैं कि प्रिंसिपल कार्बन चेन में या साइड चेन में या प्रिंसिपल रिंग में या उसकी साइड रिंग में अगर कार्बन का नंबर डिफरेंट आएगा तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, चैन आइसोमर्स। एक एक करके बात करते हैं। जैसे एक कार्बन की हाइड्रोकार्बन मीथेन, दो कार्बन की इथेन और तीन कार्बन की प्रोपेन, इनका कोई भी चैन आइसोमर नहीं होता क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स को तीनों को मैं किसी और कार्बन स्केलेटन में लिख ही नहीं सकता। कई बच्चों को डाउट होता है कि आइसोप्रोपेन होता है क्या सर, आइसोप्रोपेन नाम की कोई चीज नहीं होती क्योंकि ये दोनों सेम है। ये दोनों क्या है, सेम है। सेम से मुझे एक और बात याद आई, सेम से मुझे एक बात क्यों क्या याद आई कि कई बार आपको कंपाउंड्स में आइडेंटिफिकेशन के लिए चेक करना होता है कि बताओ ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं या एक दूसरे के होमोलोग्स हैं या ये आइडेंटिकल है। तो आपसे पूछता है आइसोमर है, होमोलोग है, आइडेंटिकल है। आइसोमर्स के अंदर अलग अलग पूछ सकता है लेकिन ये तो पता ही होना चाहिए वो आइसोमर्स भी है नहीं आपस में। तो एक एक करके बात करते हैं। आइसोमर होने के लिए बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना जरूरी है। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हम हमारा ध्यान वो टाइप ऑफ आइसोमरिज्म में लगा देता है क्वेश्चन वाला, लेकिन अगर हम देखें तो उसके अंदर आइसोमरिज्म होती नहीं है क्योंकि दोनों कंपाउंड में कार्बन का नंबर सेम ही नहीं होता। तो अगर आपको आइसोमर का कोई क्वेश्चन सोल्व करना है सबसे पहले आप चेक करेंगे कि इन दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है तो आइसोमरिज्म की कैटेगरी से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चेक करने के लिए यहां पे तो MF सेम होना चाहिए। जहां तक होमोलोग का सवाल है, हिंदी में इसको समझात कहते हैं। होमोलोग किसी कंपाउंड का नेक्स्ट वर्जन होता है। जैसे मान लो मीथेन से नेक्स्ट इथेन, इथेन से नेक्स्ट प्रोपेन। तो दो कंपाउंड्स में जब CH2 ग्रुप का अंतर होता है उन्हें एक दूसरे के क्या बोलते हैं, होमोलोग्स बोलते हैं, समझात बोलते हैं और ये आइसोमर्स नहीं हो सकते क्योंकि आपको पता ही है जब दो कंपाउंड्स में CH2 ग्रुप का अंतर होगा या 14 मॉलिक्यूल वेट का अंतर होगा तो वो दोनों किसी भी तरह से आइसोमर नहीं हो सकते। जैसे मान लो एक है इथेन और एक है प्रोपेन, तो इन दोनों में कोई पूछेगा रिलेशनशिप क्या है तो आप बोलोगे ये एक दूसरे के होमोलोग्स हैं, समझाते हैं। जहां तक आइडेंटिकल का सवाल है, ये टर्म जनरली स्टीरियो केमिस्ट्री में पूछी जाती है या स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पूछी जाती है। इसमें भी हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए बच्चों और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। जब ये दोनों सेम होंगे और कॉन्फिगरेशन भी सेम होगा, तीनों चीजें अगर सेम होगी तो वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब एक ही कंपाउंड को अलग अलग तरह से लिख रखा है बस।
जैसे आप मॉर्निंग में किसी पार्टी में जाओ, इवनिंग में किसी और पार्टी में जाओ, तो दोनों पार्टी में आप ही तो गए ना, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के आइडेंटिकल फॉर्म हो गए। तो जब भी हमें दो कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना होगा, या तो आइसोमर्स होंगे, या वो होमोलोग होंगे, या वो आइडेंटिकल होंगे। आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में या केमिकल प्रॉपर्टीज में या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होना चाहिए। या अगर मैं थियोरेटिकली बात करूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन या तो उनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होगा या उनका कॉन्फिगरेशन डिफरेंट होगा। होमोलोग्स में दो कंपाउंड के बीच में एक CH2 का क्या होगा, डिफरेंस होगा, वो एक दूसरे क्या होते हैं, होमोलोग्स होते हैं। होमोलोग कभी भी आइसोमर नहीं हो सकते, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता। और तीसरा, आइडेंटिकल के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ये भी सेम होगा और कॉन्फिगरेशन भी क्या होगा, सेम होगा। तो अब हम बात करते हैं इस टाइप की, अब प्रोपेन तक तो कोई आइसोमर नहीं है, अगर मैं चार कार्बन की बात करूं तो चार कार्बन के स्केलेटन दो टाइप के हो सकते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं एन-ब्यूटेन और इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। नो डाउट आप हाइड्रोजन तो कंप्लीट कर ही लोगे, एक के मैं कर देता हूं CH3, CH2, CH2, CH3, 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 CH। तो ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स हैं, ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। इसी तरह से पांच कार्बन में स्केलेटन तीन तरह से लिख सकता हूं, एनपेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। हालांकि मेरा अभी ध्यान नेमिंग में नहीं है ज्यादा, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं आइसोमेरिज्म, आइसोपेंटेन नियोपेंटेन। तो अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन में कार्बन का नंबर डिफरेंट आ रहा है, ध्यान रखना बच्चों टोटल कार्बन तो 4 ही है सेकेंड एग्जाम्पल, लेकिन प्रिंसिपल कार्बन चेन में भी चारों ही आ रहे हैं। यहां हम कैसे मर्जी चेन ले लें, चाहे यू ले लें, चाहे ऐसे ले लें, दोनों ही केस में प्रिंसिपल कार्बन चेन में कार्बन एटम डिफरेंट आ रहे हैं, इसलिए एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। यहां देखिए, इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन में 5 कार्बन है, इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन में 4 कार्बन है, और चाहे आप ये वाली चेन ले लो, चाहे आप ये वाली चेन ले लो, और चाहे आप ये वाली चेन ले लो, इन सब में कार्बन का नंबर क्या आ रहा है, डिफरेंट। इसमें 5 आ रहे हैं, इसमें 4 आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में अगर कार्बन का नंबर डिफरेंट होगा तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। आगे एग्जाम्पल करते हैं, चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल में हमें कुछ साइक्लिक मॉलिक्यूल्स की केस भी ले रहा हूं, जिनके अंदर रिंग के अंदर भी कार्बन का नंबर चेंज हो सकता है। बच्चों देखना, फोर्थ, सपोज मेरे पास इथाइल साइक्लोहेक्सेन है, अब यहां पर रिंग के बेस पे डिसाइड किया जाएगा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, नाम पढ़ तो रहे चेन आइसोमर्स हैं, पर साइक्लिक कंपाउंड में भी हम इसको चेक करते हैं। तो यहां प्रिंसिपल रिंग तो है 6 मेंबर की, लिख देता हूं, और यहां पे प्रिंसिपल रिंग कितने मेंबर की है, 6 मेंबर की, इसमें तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर मैं साइड चेन की बात करूंगा तो साइड चेन में यहां कितने एटम्स हैं, 2, और यहां साइड चेन में किसी को भी ले लो, इंडिविजुअल कितने कितने एटम्स हैं, 1 एंड 1, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता था साइक्लिक कंपाउंड में कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये साइक्लोहेक्सेन, ये मिथाइल साइक्लोपेंटेन, इसमें प्रिंसिपल चेन में 6 कार्बन है, सॉरी प्रिंसिपल रिंग में 6 कार्बन है, और इसमें प्रिंसिपल रिंग में 5 कार्बन है, तो भी ये एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। छठा एग्जांपल देखिए, कई बार क्या हो जाता है, कई बार प्रिंसिपल कार्बन चेन के अलावा भी कोई साइड चेन आ जाती है, जब ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, प्रिंसिपल कार्बन चेन में कोई अंतर नहीं है, 7 कार्बन दोनों में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ध्यान से, अब इसकी जो साइड चेन बनेगी, आप लोग जानते हो साइड चेन रूल क्या होता है, 1 डैश
2-3, उस कार्बन को इंक्लूड करना नंबर 1 पे जरूरी होता है जो प्रिंसिपल कार्बन चेन से कनेक्टेड होता है। दोबारा बोल रहा हूं, साइड चेन में पहला कार्बन कौन सा लिया जाता है जो प्रिंसिपल कार्बन चेन से कनेक्टेड होता है। तो यहां मैक्सिमम कितने कार्बन की साइड चेन है, 3 कार्बन की। और अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो इसको तो 1- देना ही, अब 2- आप इसको दे दो, एक ही बात है। तो यहां जो साइड चेन में कार्बन एटम का नंबर आ रहा है कितना आ रहा है, 2। दोनों में ही प्रिंसिपल कार्बन चेन में 7-7 कार्बन थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन साइड चेन में इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है। तो मैंने आपको डेफिनेशन में बता ही दिया कि कार्बन का नंबर या तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में डिफरेंट होगा, या साइड चेन में डिफरेंट होगा, या रिंग में मेंबर्स डिफरेंट होंगे, या रिंग की साइड चेन में मेंबर डिफरेंट होंगे। इन चारों में से कहीं भी डिफरेंस आपको दिख जाए तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। और देखिए एग्जांपल नंबर सेवन में मैं इसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। सेवंथ एग्जांपल सपोज आपका ये है साइक्लोहेक्सेन, तो अगर मैं इसके चेन आइसोमर्स बनाऊंगा तो यहां तो मेंबर कितने आ रहे हैं, 6। तो एक तो 5 कार्बन की रिंग और 1 मिथाइल ग्रुप, एक 4 कार्बन की रिंग और 2 मिथाइल ग्रुप। ये दोनों मिथाइल ग्रुप ऐसे भी लगे हो सकते हैं, और आपको बताइए ऐसे भी हो सकते हैं, आपको बताइए ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ये सब एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। 3 कार्बन और 3 ग्रुप, तो आप देख पा रहे हैं प्रिंसिपल रिंग में या 6 कार्बन है, या 5 कार्बन है, या 4 कार्बन है, या 3 कार्बन है। तो ये चारों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं, यानी कि चेन आइसोमरिज्म साइक्लिक कंपाउंड में भी रिजल्ट देती है अपना। इसके अलावा अगर हम बात करें 8th एग्जांपल की, कई बार बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी दे देता है। सपोज मेरे पास में एक ही कंपाउंड है, ध्यान से देखिए, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, इसमें 6 कार्बन है, रिंग में इसमें 4 कार्बन है, तो ये लो 6 और 4 का टोटल भी 10 है, कार्बन तो उतना ही, और 5 और 5 का भी टोटल कितना है, 10 है, कार्बन तो उतना ही। तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। 9th एग्जांपल, कई बार को इस तरह के एग्जांपल भी आपसे पूछ सकता है, या 2 साइक्लोपेंटेन रिंग लगी हुई, ऐसा भी हो सकता है कि एक रिंग हो जाए साइक्लोहेक्सेन और एक होता है साइक्लोब्यूटेन। तो ये 5-5 वाली रिंग्स थी, ये 6-4 वाली रिंग है, ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। कई बार वो फंक्शन को पेंटर करवा देता है कंफ्यूज करने के लिए, ये एग्जांपल भी देखिए, ये देखिए, अब OH आ गया तो सबका ध्यान फंक्शन पे चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर रूल वही है, यहां पर 6 कार्बन की है रिंग और यहां पे 5 कार्बन की है, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। 11 नंबर एग्जांपल यहां बता रहा हूं, कई बार क्या होता है फंक्शन ग्रुप के पास कार्बन भी होता है COOH। अब ये देखिए, आपको अच्छे से पता है कि जब भी फंक्शन ग्रुप के पास कार्बन हो तो हम उसके कार्बन को इंक्लूड करते हैं चेन के अंदर, है ना। तो इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, मेन चेन में 4, और यहां आप कैसे मर्जी चेन ले लो, अगर आपको COOH के कार्बन को इंक्लूड करना है तो मैक्सिमम कितने कार्बन ही ले पाओगे, 3। चाहे आप 1-2-3 ले लो, यानी कि ये दोनों कंपाउंड भी एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होंगे। तो आज हमने बात की चेन आइसोमरिज्म की, जिसमें मैंने बोला कि अगर 2 कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चाहे प्रिंसिपल चेन में, चाहे साइड चेन में, चाहे प्रिंसिपल रिंग में या उसकी साइड रिंग में या उसकी साइड चेन में, कहीं भी कार्बन का नंबर डिफरेंट होगा तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। अभी कुछ टाइम में मैं आपको सेकंड लेक्चर इसमें डालने वाला हूँ, वो पोजिशन आइसोमरिज्म पे होगा। चेन और पोजिशन एक साथ ही पढ़ी जाती है बच्चों, तो जिन स्टूडेंट्स ने ये वीडियो मेरा देखा है वो अगले वीडियो की वेट करें, जिसके अंदर मैं चेन और पोजिशन
दोनों की एग्जांपल्स को एक साथ भी स्टडी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।